मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी बताने जा रहा हूँ जो 25 साल बाद सोशल मीडिया की मदद से अपने परिवार को ढूंढ निकालता है, और इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है, लायन। ये कहानी है मध्य प्रदेश के एक छोटे से बच्चे की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है जिसका नाम गणेश तलाई है, और इस बच्चे का नाम सरू है। सरू के परिवार में उसकी माँ और एक भाई और एक बहन है। कहानी लंबी है, मैं आपको शॉर्ट में बताने की प्रयास करूँगा। एक दिन सरू का भाई गुड्डू काम की तलाश में शहर जाता है। सरू भी जिद करने लगता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। गुड्डू उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अभी बहुत छोटे हो, लेकिन सरू नहीं मानता और उसके भाई को उसे ले जाना पड़ता है। फिर दोनों एक ट्रेन में बैठते हैं और सरू का अगले स्टेशन आते आते आँख लग जाती है। अगले स्टेशन में सरू का भाई गुड्डू सरू को बेंच पर लेटाकर काम पर चला जाता है। कुछ देर बाद सरू का जब आँख खुलती है तो वह देखता है चारों तरफ कोई भी नहीं होता, तो सरू पास में खड़ी एक ट्रेन में जाकर बैठ जाता है, और यह ट्रेन कोलकाता रेलवे स्टेशन पर रुकता है। सरू अब अपने घर से बहुत दूर होता है। वह लोगों को बताने की प्रयास करता है कि वह गुम गया है, लेकिन कलकत्ता में सब बंगला बोलते हैं, इस वजह से सरू को कुछ समझ नहीं आता। सरू अपना कई दिन हावड़ा ब्रिज के आसपास गुजारता है। वह अपने परिवार को बहुत याद करता है। फिर सरू अपना कई दिन अनाथ आश्रम में बिताता है। वहाँ एक ऑस्ट्रेलियन कपल सरू को अडॉप्ट करना चाहती है, जिसका नाम मिस्टर जॉन और सू है। ये लोग काफ़ी अमीर हैं। फिर सरू को ये लोग अपने साथ ले चलते हैं। धीरे धीरे 20 साल बीत जाते हैं और सरू अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश है, लेकिन सरू को आज भी अपने उस पुरानी याद के बारे में सब कुछ पता है। एक दिन सरू अपने दोस्तों को बताता है कि वह गुम गया था और कोलकाता पहुंच गया था। सरू अब हिंदी बोलना नहीं जानता क्योंकि वह ऑस्ट्रेलिया में है। सरू का एक दोस्त जो उसे गूगल अर्थ के बारे में बताता है कि तुम गूगल अर्थ से अपने गांव को ढूंढो। सरू गूगल अर्थ पर जाकर अपने गांव को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहां उसे कुछ भी पता नहीं चलता। सरू की माँ की तबीयत खराब होता है, तो सरू को लगता है कि उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है, इसलिए सरू अपने माँ के पास चले जाते हैं। लेकिन सरू अपने उस बायोलॉजिकल माँ को भी ढूंढना चाहती है, और एक बार फिर वह गूगल अर्थ में जाकर देखता है तो उसे वह जगह दिख जाती है जहाँ पर उसकी माँ पत्थर तोड़ा करती थी। फिर सरू खंडवा के फेसबुक समूह से बात करता है तो वहाँ के लोग उसे दिलासा दिलाते हैं, अगर तुम्हारा जन्मभूमि यहाँ है तो हम लोग ढूंढ लेंगे। इसके बाद सरू को पता चल जाता है कि सरू मध्य प्रदेश के खंडवा डिस्ट्रिक्ट से है। अब सरू भारत आ जाता है और अपने गांव में आकर अपने परिवार के बारे में पूछताछ करता है, तो सरू को अपने माँ और बहन के बारे में पता चलता है। सरू अपने बड़े भाई गुड्डू के बारे में भी पूछता है तो उसकी माँ उसे बताती है, जिस दिन तुम दोनों काम पर गए थे, एक ट्रेन दुर्घटना में तुम्हारे बड़े भाई गुड्डू की मौत हो गई थी। यानी कि एक माँ ने एक ही दिन अपने दोनों बेटे को खो दिया था। यहाँ पर सरू को एक बात पता चलती है कि सरू का नाम सरू नहीं बल्कि शेरू है, लायन। उसकी माँ वह गांव छोड़कर कभी नहीं गई क्योंकि उसे पूरा उम्मीद था कि उसका बेटा एक दिन जरूर आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।